मेरा नाम श्रीकांत है, श्रीकांत गोखले। 3 साल पहले कॉलेज से रेस्टिकेट हो गया था, तब से लगातार भाग रहा हूं पैसों के पीछे। कोशिश तो बहुत करता हूं पर बहुत तेज भागता है पैसा, पकड़ में नहीं आता। लगता है साला इधर लाइन ही नहीं है। और जब तक श्रीकांत को पैसे नहीं मिलते हम लोग शादी नहीं कर सकते। और मजे की बात पता है, मम्मी डैडी एक साथ नहीं रहते क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, और अब जब मैं और श्रीकांत एक साथ रहना चाहते तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। ओ, आपने नाम पूछा था ना, निशिगंधा, और श्रीकांत मुझे निशा कहता है। आप कुछ काम दे रहे हैं ना, मैं बेझिझक दीजिए, श्रीकांत करेगा और मैं भी उसका हाथ बटाऊंगी। श्रीकांत के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ। मौत से डर नहीं लगता तुम्हें? मौत के साए नहीं तो पल रहे थे हम लोग पिछले 15 सालों से, फिर भी जी रहे थे तब तक जब तक वो लोग दरवाजे पर नोटिस चिपका कर चले गए, 24 घंटे में कश्मीर छोड़ो, 24 घंटे में कश्मीर छोड़ो, चले गए सब कुछ छोड़ के, घर, दोस्त, पढ़ाई, भरोसा। मेरे पिताजी की जिंदगी भर की कमाई पर एक नोटिस चिपक गया। सर, आप जो काम देंगे मैं करने को तैयार हूं। काम बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, कोई वादा नहीं, मैं हर मुश्किल काम कर सकता हूं, कसम से। आप बिलीव करो मेरे पे, मेरे कॉलेज में आप किसी को भी पूछ लो कि जतिन कैसा लड़का है, सब लोग यही कहेंगे कि बहुत अच्छा है, भरोसे वाला है, अपना रेपुटेशन ही है सॉलिड। लेकिन कभी कभी है ना, वो जुआ खेल लेता हूँ ना तो। लेकिन ये पैसा मुझे खुद को नहीं चाहिए, वो तो मेरा एक छोटा भाई है ना, उसी के वास्ते चाहिए मुझे। उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है मेरे पे, उसके लिए तो मैं सब कुछ करेगा, सब कुछ। क्या नाम है तेरा? के। पूरा नाम? कालीचरण, कालिया, काला कौवा, कुत्ता, कुछ भी हो सकता है। इन सब लोगों ने अपने बारे में कुछ ना कुछ तो बताया है मुझे, तू कुछ नहीं बताएगा? कुछ तो बोल। ज्यादा बोलने से उम्र कम हो जाती है। बताएगा नहीं तो तुझ पे भरोसा कैसे करूंगा मैं? तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, फिर भी तुम्हारी बातें सुन रहा हूं तुम पे भरोसा करके। बहुत चालाक हो तुम, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, न सिर्फ तुम्हारे बारे में, इन सब के बारे में। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि पिछले 2 महीने से पुलिस तेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। मैं जानता हूं कि जतिन का भाई इस वक्त कहां है। मैं ये भी जानता हूं कि अमित अपनी जिंदगी में पहली बार कोई गुनाह करने वाला है। और निशा, मैं ये भी जानता हूं कि श्रीकांत की वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम लोगों ने मेरे साथ ये काम करने का वादा किया है। तो समझ गए, नो ओवर स्मार्ट मूव्स, जितना मैं कहूंगा उतना तुम लोग करोगे।
क्या है? क्या इधर नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता तुमको? नो पार्किंग सब मैं समझा कि वो कुछ नहीं, जल्दी गाड़ी निकालो। मेरे पिताजी अंदर गए साहब, वो अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है जल्दी निकलना, टाइम नहीं लगाना इधर। मोबाइल किसके पास है? मोबाइल कहाँ है किसी के पास, कैसी बात कर रहा है? तो फिर ये रिंग? रिंग तो है, दिखा दिखा मुझे दिखा। हेलो कौन? बॉस? हाँ बोलो। हाँ हाँ ओके ठीक है, अपने को गोवा की तरफ जाने का है, उसके पहले अपने को एक फार्म हाउस मिलेगा जहाँ 2:30 बजे अपने को रुकना है। 2:30 बजे? हाँ मुझे तो 7 बजे से पहले वापस लौटना है। अब मेरे भाई की जान खतरे में है, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो बॉस को बताना चाहिए ना। बॉस को सब कुछ पता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है तेरे साथ? तू मेरे को बता ना, काय को बात-बात पे बंदूक निकालता है तू? हाँ अभी देखने दे मेरे को, कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं। ठीक है, लेट्स बी कूल। अब क्या करें? के कांच तोड़ने की क्या जरूरत थी? घर में कोई होगा तो? उसे भी मार देंगे।
बाथरूम। अरे खजूर, पैसा कब देगा रे? थोड़ा टाइम और दे दो भाई, प्लीज। थोड़ा टाइम और दे दो, जुआ खेलते वक्त टाइम मांगा तूने? टाइम मांगा था? तेरा भाई है ना? तेरा भाई है ना? बहुत प्यार करते है इससे। कल शाम को 7 बजे तक मेरा पैसा लेके आना, और इसको लेके जाना, समझा? भैया, भैया। पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा। एक बार मैं यहां से निकल जाऊं ना तो जिंदगी भर जुआ कभी नहीं खेलूंगा, कसम से। श्रीकांत, तो बैग में कितने पैसे होंगे? वो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, बैग तुम्हें भरा है। और कितनी देर रुकना होगा? पता नहीं, बॉस का फोन आएगा फिर देखते हैं। की मालकिन लगती है। अच्छी लगी? अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, ये वापस आ गई तो शादी कर लेना उससे। अच्छा, और कितनी देर सड़ना पड़ेगा यहां पर? 7 बजे तो वो लोग मेरे भाई को, यहां पे किसी को कुछ पड़ा ही नहीं है। ओ श्रीकांत, आई लव यू। आई लव यू टू श्रीकांत। क्या मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी? तुम्हारी? हाँ, मेरी गुंजालविस। अच्छी थी बेचारी। थी मतलब? थी मतलब इसको छोड़ के भाग गई होगी। इसके साथ रह सकता है कोई क्या? श्रीकांत बोलो ना, अब कहाँ है वो? मर गया। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे पूछे बिना पिक्चर देखने गई थी मेरे दोस्त के साथ। मार डाला मैंने दोनों को।
स्टॉप पांच लोग मर जाएं, इससे अच्छा कि एक आदमी मर जाए. रिलैक्स रिलैक्स. पांच लोग मर जाएं, इससे अच्छा कि एक आदमी मर जाए. रिलैक्स रिलैक्स. मारना पड़ेगा. अब इतना आगे आ गए हैं तो पीछे नहीं जा सकते. और जब तेरे को मालूम है कि रूम में लड़की है तो काय को म्यूजिक लाउड किया? काय को? बापू अपने को इधर से निकलने का है बिना किसी लफड़े के. काय को नहीं समझता है तू? मैं तेरा हाथ जोड़ता हूं. काय को नहीं समझता है तू? यार क्योंकि इसे मारने की क्या जरूरत थी? इसे हम रोक भी सकते थे ना. सारे प्रॉब्लम तेरी वजह से हो रहे हैं. See, I'm trying to make sense. All right? इसे मारना पड़ेगा. नहीं, तो लड़के जान के लिए क्या खून हुआ है? हाँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मार दे. अमित, के सही कह रहा है. क्या क्या सही कह रहा है? अगर हमें यहाँ से निकलना होगा तो हमें उस लड़की को मारना ही होगा. तुम दोनों पागल हो गए हो. तुम दोनों पागल हो गए हो. ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे यार तेरी अभी है, छोड़ दो उसे. दरवाजा खोल लड़की, बाहर आ. हम तेरे को कुछ नहीं करेंगे.
मैं और खून नहीं देख सकता। ए चुप, एक हजूर। अरे ए, तेरे को गोली चलाने का बहुत शौक है ना? हाँ शौक है ना, क्या करेगा तू अभी, क्या करेगा? मैडम आप घबराना नहीं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। एक, 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 कुछ नहीं करेंगे ना श्रीकांत, हम उसे कुछ नहीं करेंगे। ओके हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है देख मेरी बात सुन, आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस। उसने हमारा क्या बिगाड़ा है, हम उसे क्यों मारे? हम उसे नहीं मारेंगे। ओके ओके गन बोलिए इसमें। हाँ तो जैसे ही वो दिख जाए ना उसे उड़ा देना, क्योंकि एक और बार तूने बोला कि उसे नहीं मारे। ठीक है श्रीकांत, अमित सही कह रहा है, हमें उसे मारने की क्या जरूरत है? उसने क्या किया? She's right. साला बॉस का अभी तक फोन नहीं आया यार, कहाँ मर गया बॉस? उसका फोन आ गया होता तो ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता, तुम कब का निकल चुके होते। चल 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 फालतू बातें मत करो। अमित तू एक काम कर, तू बाहर जाके देख हा? और दिखे तो क्या करेगा? गोली मार दूंगा। हाँ जा। ए चिपकली। ए चिपकली उपकली नहीं बोलने का, समझा तू? इसे चिपके रह गया कुछ मदद भी करेगी हमारी? हाँ ये गन अपने पास रख लो तुम। क्या करेगी? गोली मार दूंगी। संभाल के। ए लड़की Ah!
बहुत दर्द हो रहा है? अब नहीं होगा श्रीकांत, 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 श्रीकांत कहाँ है? के मैंने चीख सुनी थी। श्रीकांत कहाँ है? के फोन तुम्हारे पास कैसे आया? के? मैंने पूछा श्रीकांत कहाँ है? श्रीकांत, 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 ये क्या हो गया तुमको? श्रीकांत, श्रीकांत उठो, श्रीकांत उठो, श्रीकांत, श्रीकांत, केके, केके, तुमने इसे मार डाला ना? You killed him, you killed him ना? मेरे श्रीकांत को you killed him ना? You killed him, why, why, why you killed him? श्रीकांत के पास बेवकूफ लड़की, लड़की कुछ नहीं करूंगा, ऑल राइट? चुप, तुम चुप। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चुप, ना बैठो, चुप जाओ। मेरी बात सुनो। हमारा जो साथी है ना केके, वो पागल है, पागल है। उसने हमारे तीन साथियों को मार दिया है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चुप। देखो, वो हमें भी मार देगा। मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। ओके? ओके, मैं समझ रहा हूँ तुम बहुत डरी हुई हो। लेट्स हेल्प ईच अदर, ओके? चलो आराम से, कम तुम्हें भागने की कोशिश कर रही थी, मैंने पकड़ लिया उसे। ठीक
एक मिनट, बहुत शुक्रिया तुम, बहुत परेशान किया तुमने, बहुत होशियार है तू, गेम खेलने का शौक है तुझे, चल हम गेम खेलते हैं, ले ले, गन है गन, अब मैं छुपता हूँ तू मुझे मार, नहीं के, आँख में जोली, चल चीटिंग तो नहीं करेगी ना, अंधी है ना, हाँ चल ये के नहीं, ये क्या कर रहा है तू, नहीं के Relax. It's over. ये सब क्या हो गया? मैं सिर्फ थोड़े पैसे चाहता था, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, मैं सच कहता हूँ। मैं मेरे पापा को खुश देखना चाहता था, मैं क्या कर बैठा? I'm sorry, पापा. मैं और खून खराबा नहीं देख सकता। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। How are you feeling now? Better? Yes, I'm feeling much better now. वाकई जिस तरह से आपने उन लोगों का मुकाबला किया है काबिले तारीफ है। Thank you very much. अभी कुछ दिनों पहले मुंबई में एक बैंक डकैती पड़ी है और गुंडे लूट कर बैंक फरार हो गए। हमें उम्मीद थी कि जो लोग मरे हैं वही, but the problem is
हमने आपका पूरा घर छान मारा, कहीं हमें वो रकम वो पैसा नहीं मिला। सुमन, सुमन जैसे ही पता चला मैं सीधा यहीं चला आया। तुम ठीक तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। इंस्पेक्टर, ये इज माय कजिन, मैं जा सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। इनके लिए दो कांस्टेबल का इंतजाम कीजिए प्लीज, प्रोटेक्शन के लिए। नो इंस्पेक्टर प्लीज, मुझे अपनी प्राइवेसी प्लीज। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर दोबारा कुछ हुआ तो? चार गुंडों का अकेले मुकाबला कर चुकी हूँ मैं, और फिर अब मेरा भाई भी तो मेरे साथ है। आई अप्रिशिएट दैट यू आर अ ब्रेव वुमन, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी कभी जरूरत पड़े तो तकल्लुफ मत कीजिएगा प्लीज। तो शायद जिंदगी में पहली बार तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा हुआ होगा। खैर ठीक ही है, ये बताओ कि मेरे आने में कोई देरी तो नहीं हुई? मैं जिंदा हूँ इसका मतलब तुम टाइम पे ही हो, डोंट वरी। तुम्हारी होशियारी के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन तुम्हारी बहादुरी तो well, तुम्हारा प्लान भी तो परफेक्ट था। जब तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ लोग मौजूद हैं, ऐसे प्लान बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। खैर अब ये नाटक छोड़ो और ये बताओ कि पैसे कहाँ हैं। मैं सोच ही रही थी तुमने अभी तक पूछा क्यों नहीं। अंदर चलो। आओ बैठो। काफी अच्छा सजा रखा है तुमने अपने घर को, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होगा, और इसका भी नहीं। इसकी जरूरत तो मुझे भी नहीं। पैसे कहाँ? पैसे लेके आओ। अभी लाती हूँ। अरे सुमन, कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं उन लोगों को मारने में? बिल्कुल नहीं। होती भी कैसे, एक एक डफर जो पकड़ के लाया था मैं खास तुम्हारे लिए। बेवकूफ, सबके सब बेवकूफ। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप ये बन गार्डन का पता बता सकती हैं? आई एम सॉरी।